आज मेरी पीएचडी की तमन्ना मुझे लेके आ गई है यूएसए। मेरे सफर की शुरुआत होती है दिल्ली एयरपोर्ट से। अपना सामान लेकर बिना डेडलिफ्ट की प्रैक्टिस करे 23 केजी के दो बैग्स लेकर मैंने अपना सफर शुरू किया। एयरपोर्ट की चमक धमक देख के जो मजा आ गया, ओए होए, बट मुझे उसने एक एहसास दिलाया, वो ये कि मैं आज भी गरीब ही हूँ, क्योंकि उनमें से मैक्सिमम चीज़ें मैं आज भी अफोर्ड नहीं कर सकता। लड़कियों से बात करने की हिम्मत अब तक नहीं आई है, यहाँ तक कि मैं विक्टोरिया से उसका सीक्रेट आज तक नहीं पूछ पाया। इसी चकाचौंध के बीच घूमते हुए मैं पहुँचा दवाई के सेक्शन में और मेरे दिमाग में एक आवाज़ आने लगी, आपके दवा दारू का इंतजाम कर दिया, आपकी दारू का नहीं दवा का। अब देखो, जिंदगी आपको हर मोड़ पर अच्छी बुरी चॉइसेस का मौका देती है, लेकिन हम चुनते अपनी औकात के हिसाब से हैं। इसीलिए मैंने भी स्पा जैसे महंगे ऑप्शन को छोड़कर टॉयलेट की फ्री सेवा का उपयोग करने के बाद अपना मुंह मोड़ा फूड कोर्ट की तरफ। भूख को देखते हुए हर गरीब को अमीर फील कराने वाला भोजन बर्गर का सेवन किया। फिर मैं बढ़ा अपने गेट की तरफ और गेट की तरफ जाते हुए मुझे एहसास हुआ कि इस बार मेरे लोकल बार्बर ने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मेरे बाल काटे। एक लड़के के लिए उसका हेयर कट वही काम करता है जो कि फटे पजामे में रफू। किस्मत ने अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखी और इस बार भी मेरे आगे पीछे अगल बगल कोई भी लड़की का नामो निशान नहीं था। हवा में पहुंचते ही घर वालों की याद और तेजी से आने लगी। अपने दोस्त भी याद आ ही रहे थे कि सामने से एक क्यूट सी एयर हॉस्टेस आके हमसे पूछती है, वॉचर? हमने भी सामने से कह दिया, यस वॉचर प्लीज। फ्लाइट दिल्ली से पहुंची आबू धाबी। और वहां मुझे रैंडम सिक्योरिटी चेक के लिए चुन लिया गया। उन्होंने मेरे जूते और मोजे खुलवाए। मैं अपनी पैंट खोल ही रहा था कि अचानक से वो बोल पड़े कि कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। तो मैं रुक गया और मेरा सिक्योरिटी चेक पूरा हुआ। सिक्योरिटी चेक के बाद मैं गया इमिग्रेशन करवाने और वहां से मैंने शिकागो के लिए नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ ली। फिर शुरू हुआ सिलसिला खाने का। खातिरदारी देखकर यूं लगा जैसे मैं बिना शादी के ससुराल आ गया, दामाद बनकर। आने वाले पीएचडी के थकान भरे दिनों से पहले ये छोटा सा वेकेशन था जो मैं एंजॉय कर रहा था। फ्लाइट में खूब मजे किए, जम के मूवीज देखी, अपना फेवरेट फैमिली गाय भी देखा। ऑल्दो भाभी जी घर पर हैं और तारक मेहता मिस कर रहा था, मैं धीरे धीरे घर से दूर और टाइम में पीछे जाता जा रहा था। फ्लाइट का ढेर सारा खाना खाने के बाद मैं पहुंचा वहां के एकदम हाईटेक बाथरूम में। 4-5 मिनट तो मुझे ये जानने में लग गए कि इसे यूज़ कैसे करना है भाई। फाइनली हम लैंड कर गए शिकागो में। शिकागो में लैंड करते ही मेरे अंदर से इंग्लिश का कीड़ा कूद कूद के बाहर आने लगा, क्योंकि मेरा इमिग्रेशन आबू धाबी में हो चुका था तो मेरे पास बहुत सारा टाइम था। शिकागो लैंड करने के बाद आई वॉज वेरी ओवरवेल्म्ड। नई जगह, नए लोग, घर से इतना दूर, थोड़ा मुश्किल तो लग रहा था। जिंदगी में पहली बार अमेरिकन एक्सेंट से पाला पड़ा था, हर एक वर्ड बाउंसर की तरह सर के ऊपर से जा रहा था। और इन सब के बीच मुझे बुरे ख्याल भी आने लगे, लगने लगा शायद आई मेड अ रॉन्ग डिसीजन। एकदम एडजस्ट होना टफ हो रहा था, लेकिन खुद को विश्वास दिलाया कि धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। तो इसी विश्वास के साथ फाइनली आई बोर्डेड माई फ्लाइट फ्रॉम शिकागो टू दे मोइंस। डेमोइंस एक छोटा सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट था जो कि मेरे कॉलेज के काफी करीब था। वहां जाने के बाद आई मेट अ सुपर फ्रेंडली कैब ड्राइवर हु ड्रॉप मी टू माय अपार्टमेंट। और इसी तरह मैं अपने अपार्टमेंट एरिया में पहुंच गया। रूम में आने के बाद जेट लैग सर पे सवार था, लेकिन मेरे काबिल रूममेट ने मेरे लिए बढ़िया सी पनीर की सब्जी और रोटी बना रखी थी,
जिसे खाकर मैं अपनी सपनों की दुनिया में खो गया और मेरा सफ़र पूरा हो गया। तो फाइनली मैं आ गया हूँ यूएसए और अब मैं यहाँ से वीडियो बनाता रहूँगा और अपने एक्सपीरियंस बताता रहूँगा। साथ ही स्टूडेंट हेल्प सीरीज़ का जो मैंने वादा किया था वो भी मैं निभाऊंगा और उसमें भी मैं वीडियो ज़रूर से बनाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।